नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। इस साल यानी 2023 में कई क्रिकेटर्स को उनके हमसफर मिले और वो शादी के बंधन में बंध गए। दुनिया भर के कई स्टार क्रिकेटर्स ने अपने हमसफर का साथ थामा। ऐसे में हम आपको ऐसे ही क्रिकेटर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने इस साल 2023 में शादी की। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है केएल राहुल का। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने साल के पहले महीने यानी कि जनवरी 2023 में बॉलीवुड एक्ट्रेस आतिया शेट्टी से शादी रचाई थी। बता दें, आतिया बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी है। वहीं अगला नाम है शार्दुल ठाकुर का। भारतीय तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने भी जनवरी 2023 में शादी रचाई। शार्दुल ने मिताली पारुलकर से शादी की थी। शादी के करीब 2 साल पहले शार्दुल ठाकुर ने सगाई भी की थी। अब बात करते हैं अक्षर पटेल की। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने 2023 के पहले महीने यानी कि जनवरी में शादी की थी। अक्षर ने अपनी गर्लफ्रेंड नेहा पटेल से शादी रचाई। अगला नाम है इस लिस्ट में मुकेश कुमार का। भारतीय तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज के बीच 28 नवंबर को शादी की थी। मुकेश ने शादी के लिए सीरीज के एक मैच से छुट्टी ली और फिर अपने अगले मैच में उन्होंने वापसी भी कर ली थी। वहीं टीम इंडिया के ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ ने इस साल जून में शादी की थी। गायकवाड़ ने उत्कर्षा पवार से शादी की, जो एक क्रिकेटर हैं और महाराष्ट्र की महिला टीम के लिए घरेलू क्रिकेट खेलती हैं। वहीं पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज इमाम उल हक भी इसी साल शादी के बंधन में बंधे। इमाम ने अपनी दोस्त अनमोल महमूद से नवंबर में शादी की थी। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर शादाब खान ने भी इसी साल शादी की। शादाब ने पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज स्पिनर शकलेन मुश्ताक की बेटी से जनवरी में शादी की थी। वहीं दक्षिण अफ्रीका के युवा तेज गेंदबाज गेराल्ड कोइट्जी ने भी हाल ही में शादी की। 23 साल के गेराल्ड दिसंबर के महीने में ही शादी के बंधन में बंधे थे। वर्ल्ड कप 2023 में शानदार प्रदर्शन के बाद गेराल्ड चर्चा में आ गए थे। वहीं लंबे कद के भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने भी इस साल शादी की। कृष्णा ने जून के महीने में रचना से शादी की थी। वहीं भारत के एक और तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने भी इसी साल शादी की है। नवदीप ने नवंबर के महीने में शादी की रस्मों को अंजाम दिया और शादी के बंधन में बंधे। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड स्वाति अस्थाना से शादी की। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। नमस्कार।